अस्सलाम वालेकुम। आज के गूगल स्केचअप के ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे मूव टूल और सेलेक्ट टूल के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि ये मूव टूल और सेलेक्ट टूल होते कहाँ पे हैं। आप टूल्स में आते हैं, पहले नंबर पे आपके पास सेलेक्ट का ऑप्शन है, इसको आप स्पेस बार प्रेस करके भी ये आपके पास आ सकता है। तो फर्स्ट वन आपके पास सेलेक्ट टूल है। सेलेक्ट टूल आपको किसी भी चीज़ को अगर आपने सेलेक्ट करना है, जस्ट आप वन क्लिक करें और ये आपके पास सेलेक्ट हो जाएगा। अभी ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जो एक अपार्टमेंट का 3D है हमारे पास, ये ग्रुप हुआ हुआ है, तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम माउस का राइट क्लिक करके इसको हम एक्सप्लोर कर लेते हैं और ये अनग्रुप हो जाएगा। अभी हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हमारे पास पड़े हैं और हम इनको मूव कर लेते हैं। और सेलेक्ट टूल के बाद हम आ जाते हैं मूव टूल पे। तो मूव टूल भी यहाँ पे मूव टूल एम, इसकी शॉर्टकट कमांड एम है हमारे पास, तो हम एम प्रेस कर लेते हैं और हम इसको यहाँ से, अगर हमने इसकी कॉपी करनी है तो हम सिंपल कंट्रोल प्रेस करेंगे और इसके ऊपर प्लस का निशान आ गया और देन हम इसको मूव कर देंगे। ये हमारे पास मूव हो गया और अभी हमने इसकी दो कॉपीज ले ली। सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट किया, ये देखें हमने इसको पहले सेलेक्ट कर लिया। और अगर मूव करना है तो एम जो शॉर्टकट कमांड है, हम उसको प्रेस करके हम इसको मूव भी कर सकते हैं। अब सेलेक्ट टूल के अंदर एक और चीज़ है, उस वो आपने बड़े ध्यान से देखनी है। अगर हमने इसको किया लेफ्ट से अगर इसको किया सेलेक्ट, और दूसरा जो सोफ़ा है वो हल्का सा माइनस साइज के अंदर आ रहा है, तो आप देखते हैं क्या होता है। ये देखें, हमने इसको लेफ़्ट से सेलेक्ट किया तो दूसरा जो सोफ़ा था वो हल्का सा उसमें आया, बट उसने उसको सेलेक्ट नहीं किया, उसने सिर्फ उसको सेलेक्ट किया जो पूरा उसके अंदर कवर हो रहा था। सही है। अब हम इसको राइट से सेलेक्ट करते हैं। याद रखें, जब आप राइट से सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो आपके पास डॉटेड लाइन आती हैं। अब आपने राइट से सेलेक्ट किया, आपके पास पहला सोफ़ा आया, एक सेकेंड, हमने सेलेक्ट कर लिया और अब हम देखते हैं, अब इसने दोनों को सेलेक्ट कर लिया। अगर हम राइट से सेलेक्ट करते हैं और किसी ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा पार्ट उसके अंदर आता है तो वो दोनों को सेलेक्ट कर लेता है, बट अगर हम लेफ़्ट से सेलेक्ट करते हैं तो जब तक पूरा ऑब्जेक्ट उसके अंदर नहीं आएगा वो उसको सेलेक्ट नहीं करेगा। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जब आप एडवांस मॉडलिंग कर रहे होंगे, तो उसमें बहुत सी चीज़ों में से आपको कुछ चीज़ें सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, तो ये जो सेलेक्ट टूल है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा वहाँ पर। अब आ जाती है, हम कंट्रोल प्रेस करके इसको भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों हमारे पास सेलेक्ट हो गए, अब हमने इसको मूव करना है, हमने कंट्रोल प्रेस करना है और इसको मूव करना है पीछे। ये हमारे पास मूव हो गया और एक हमारे पास डुप्लीकेट कॉपी भी बन गई। ये हमारे पास सेलेक्ट टूल आ गया, हमने इसको मूव किया, मूव बैक किया इसको, और स्टार अगर हम कहते हैं इसकी हमने चार कॉपीज और बनानी है, फोर किया, इंटर किया, हमारे पास इसकी चार कॉपीज और बन गई। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जब आप एक ऑब्जेक्ट को अपने मल्टीपल उसके कॉपीज बनानी हो, तो बजाय कि आप मैनुअल एक एक को कॉपी करके पेस्ट करते रहें, तो इस तरह आपकी जो कमांड है मल्टीप्लाई करके और जितने भी आपको फिगर चाहिए 4, 5, 6 आप इंटर करेंगे तो वो उतनी कॉपीज बन के आपके सामने आ जाएंगी। आई होप कि आपको सेलेक्ट टूल और मूव टूल समझ आ गया होगा। मिलते हैं एक और ट्यूटोरियल के साथ। अल्लाह हाफिज़।